Hello guys, welcome to Tech Education. In this lecture we will discuss the heterogeneous classification of welding, जिसके अंदर आपका soldering, brazing and braze welding आता है. मेनली जो डिफरेंस होता है इन तीनों में वो टेम्परेचर का होता है. जो मेन डिफरेंस अगर देखा जाए तो 427 डिग्री से अगर कम टेम्परेचर पे हम लोग वेल्डिंग करें देन इट विल बी कॉल्ड एज सोल्डरिंग. अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर एंड बेस मटेरियल से कम टेम्परेचर पे अगर वेल्डिंग करें मीन्स इन बिटवीन दिस टू टेम्परेचर तो इन दोनों के बीच में हम लोग ब्रेजिंग बोलते हैं. और जो ब्रेज वेल्डिंग होता है वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है. दोनों के बीच में मेन डिफरेंस ये होता है जैसे ब्रेजिंग और ब्रेज वेल्डिंग इन दोनों के बीच में एक माइन्यूट डिफरेंस होता है. ब्रेजिंग में हम कैपिलरी एक्शन के थ्रू फिलिंग होती है फिलर मटेरियल का और जो ब्रेज वेल्डिंग है इसमें विद मीन्स ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होता है मीन्स ऑटोमेटिक इसमें हमें कैपिलरी एक्शन का इसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं इसमें बाय ग्रेविटी इसमें फिलर मटेरियल ऐड होता है. जो सोल्डरिंग है सोल्डरिंग में एक हम लोग सोल्डर यूज करते हैं जो मैक्सिमम एप्लीकेशन में आपने देखा होगा इसे हम लोग चलिए आगे डिस्कस करेंगे. हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है ये देख लेते हैं. हेट्रोजीनियस मतलब आपका जो बेस मेटल है वो डिफरेंट मटेरियल का होगा और जिसमें फिलर मटेरियल हम लोग ऐड करेंगे वो डिफरेंट मटेरियल का होगा. सपोज दो स्टील की प्लेट है इन दोनों को दोनों स्टील की प्लेट को हमें वेल्ड करना है इन इस एरिया के कॉमन में मतलब इतने एरिया में वेल्ड में चाहिए. तो इसमें हम लोग जो मटेरियल यूज करेंगे सपोज कॉपर का स्ट्रिप यूज कर रहे हैं तो कॉपर की स्ट्रिप इन दोनों के बीच में डाल दी जाती है और इसे हीट किया जाता है. कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है स्टील से तो कॉपर पहले मेल्ट कर जाता है. अब कॉपर मेल्ट करता है तो उस केस में क्या होता है इसमें हमें हम दोनों को इन दोनों प्लेट के बीच में गैप जो होता है बहुत ही मिनिमम रखना पड़ता है बहुत ही इतना मिनिमम रखना पड़ता है कि कैपिलरी एक्शन के थ्रू इसमें फिलिंग मटेरियल अंदर जाए जो फिलर मटेरियल है. तो इसमें हम लोग हेट्रोजीनियस कहते हैं क्योंकि आपका जो बेस मेटल है वो डिफरेंट है और जो फिलर मटेरियल है वो डिफरेंट है. तो आइए वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज सोल्डरिंग. सोल्डरिंग प्रोसेस है जिसमें हम लोग सोल्डर यूज करते हैं जो कि फ्यूजिबल एलॉय होता है. एलॉय होता है ये कॉपर और टीन का तो इसमें हम लोग यूज किया सॉरी लेड और टीन का एलॉय होता है. तो इसमें हम लोग जो फिलर मटेरियल यूज करते हैं उसको बोलते हैं सोल्डर और इसे मोल्टन स्टेट में यूज किया जाता है. आपने देखा होगा कि कई जगह जो इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप वगैरह होती है वहाँ पर ये जो आपका पीसीबी है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है या फिर जो भी आपका सर्किट वगैरह होता है या छोटे छोटे जो भी एलईडीज वगैरह जहाँ पे जो छोटी बल्ब्स होते हैं सेंसर बल्ब्स वगैरह जो होते हैं उन सबको ज्वाइन करने के लिए हम लोग ये सोल्डरिंग आयरन ये आपका सोल्डरिंग वायर है ये आपका फ्लक्स है जो आप देख सकते हो थोड़ा सा ग्रीसी टाइप का रहता है तो इसे हम लोग यूज करते हैं. ये तो एज ए फ्लक्स यूज होता है ताकि ऑक्सीडेशन से आपको प्रिवेंट कर सके जो मटेरियल आप जहाँ पे सोल्डरिंग कर रहे हो. तो इसमें फिलर मटेरियल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 427 डिग्री सेल्सियस से कम होता है एंड फिलर मटेरियल जो होता है वो एलॉय होता है लेड एंड टीन का. इट इज नॉन एज सोल्डर इसको सोल्डर बोला जाता है. इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्वाइंट की वो कम होती है बहुत ही कम स्ट्रेंथ होती है मतलब आप हाथ से खींच के भी इसे ब्रेक कर सकते हो. जो फ्लक्स मटेरियल यूज करते हैं वो जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर होता है और इसमें जो एप्लीकेशन इसका वो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन में जो कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड वगैरह है या फिर जो भी आपके सेंसर्स वगैरह होते हैं या छोटे छोटे वायरिंग वगैरह जो ज्वाइंट करते हैं हम लोग जो आप एग्जांपल देख सकते हो जो कॉलेज में हम लोग एक ब्रेड बोर्ड यूज करते थे तो ब्रेड बोर्ड में जो भी हम लोग वायरिंग वगैरह यूज करते तो दो वायर अगर कनेक्ट करने तो बीच में हम लोग सोल्डरिंग करके भी उसको कनेक्ट कर देते थे या फिर अगर सर्किट बोर्ड है आपका तो सर्किट बोर्ड में जितने भी पॉइंट्स आपको कनेक्ट करने होते थे तो इस तरफ से आप वायर की एंट्री करते थे और इसके बैक साइड से आप वहाँ पर सोल्डरिंग कर देते थे तो वहाँ पर इसका यूज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह में इसका यूज होता है. नेक्स्ट है आपका ब्रेजिंग. ब्रेजिंग में क्या होता है आपका दो बेस मेटल है सपोज स्टील का है दोनों ठीक है और इन दोनों के बीच में हमें फिलर मटेरियल ऐड करना है. अब देखिए इसमें डिसिमिलर मटेरियल भी हो सकता है. एक तो स्टील है तो दो आपने एक स्टील का ये प्लेट हो गया एक स्टील का प्लेट ये हो गया इन दोनों के बीच में वेल्डिंग करना है इस एरिया पूरा कवर होना चाहिए तो इसमें आप कॉपर का आप यूज कर सकते हो फिलर मटेरियल जिसे हम लोग स्पेल्टर बोलते हैं ठीक है. जैसे सोल्डरिंग में हम लोग क्या बोलते थे सोल्डर इस केस में हम लोग जो फिलर मटेरियल यूज करते हैं उसे बोलते हैं स्पेल्टर तो स्पेल्टर इसमें यूज किया जाएगा. लेकिन अगर आपका ये स्टील का है दूसरा मटेरियल जो वो ब्रास का है उस केस में भी आप ब्रेजिंग कर सकते हो ठीक है इसलिए इसे हेट्रोजीनियस बोला गया है. तो इसमें ब्रेजिंग जो होता है वो सिमिलर टू सोल्डरिंग होता है बट इट गिव्स मच स्ट्रॉन्गर ज्वाइंट देन सोल्डरिंग. सोल्डरिंग से अधिक ज्वाइंट होती है इसकी. इसमें जो टेम्परेचर रेंज होता है वो 427 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है और लेस देन मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ बेस मटेरियल क्योंकि आपको इसमें हीट करना होगा ठीक है. तो अगर आप हीट करोगे अगर बेस मटेरियल से अगर ज़्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर आपका फिलर मटेरियल का हो गया तो आपका बेस मटेरियल मेल्ट कर जाएगा जो कि डिजायरेबल नहीं है हम नहीं चाहते हैं. तो ये हम लोग कॉपर वगैरह या फिर जो भी मटेरियल यूज करते हैं इस तरह का यूज करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट 427 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा और जो बेस मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट है उससे कम ठीक है. बेस मटेरियल का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उससे कम. इसमें जो फ्लो ऑफ मोल्टन मेटल होता है जो फिलर मटेरियल का वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू अंदर जाता है मतलब कि
आप कैपिलरी एक्शन पढ़ चुके हो फ्लूड मैकेनिक्स में, कि अगर डायमीटर जो होता है पाइप का वो बहुत ही कम होता है तो उसमें राइज करता है फ्लूड ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो इसमें भी उसी तरह का फेनोमिना है, इसमें भी आपका जो गैप अगर बहुत जितना कम गैप दोगे उतना ज़्यादा कैपिलरी एक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीन दिनों के बीच में गैप बहुत ही मिनिमम दिया जाता है, और बीच में एक कॉपर की स्ट्रिप सपोज एग्जांपल के तौर पर लिया गया और बीच में आप बोरेक्स हम लोग उसमें डाल देते हैं, बोरेक्स या बोरिक एसिड, तो वो क्या करता है एक ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है और उस जॉइंट को और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। तो इसमें जो पार्ट्स ज्वाइन किया जाता है वो बहुत ही स्मॉलर गैप होगा ताकि कैपिलरी एक्शन अच्छे से हो सके, और जो फ्लक्स यूज किया जाता है वो बोरेक्स या बोरिक एसिड यूज़ किया जाता है। इसका एप्लीकेशन होता है जॉइनिंग ऑफ द पाइप्स टू प्रोड्यूस लीक प्रूफ जॉइंट। लीक प्रूफ जॉइंट क्यों होगा, क्योंकि आप देखो छोटा से छोटा गैप भी होगा वहाँ पर भी एंटर कर जाएगा ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, तो उसे लीक प्रूफ जॉइंट ये प्रोवाइड करा सकता है। नेक्स्ट हाइड्रोलिक फिटिंग्स, हाइड्रोलिक फिटिंग्स वगैरह में यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर हमने ज्वाइंट कर रहे हैं, तो इसमें एक तरह एक तो हम फिलर मटेरियल ऊपर से दे रहे हैं, ठीक है, बाकी अगर आप प्लेट्स वगैरह ज्वाइन करोगे तो साइड से भी आप फिलर मटेरियल दे सकते हो। नेक्स्ट है ब्रेज वेल्डिंग। ब्रेज वेल्डिंग में जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है फिलर मटेरियल का वो मोर देन 427 डिग्री सेल्सियस होता है, और वो एंटर करता है गैप में नॉट ड्यू टू कैपिलरी एक्शन बट ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी फोर्स की वजह से वो अंदर मतलब गिरता है, उसमें फिलर मटेरियल फील होता है। इसमें जो फिलर मटेरियल में यूज करते हुए वो एलॉय होता है कॉपर एंड टीन का, जिसे हम लोग ब्रॉन्ज बोलते हैं। इसके स्ट्रेंथ जो जॉइंट की स्ट्रेंथ होती है वो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग से ज़्यादा होती है, और इसका एप्लीकेशन होता है यूज फॉर जॉइनिंग ऑफ कटिंग टूल टिप्स, कटिंग टूल के जो टिप्स होते हैं उस केस में इसका एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक है इसका वेल्ड बीड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये बता रहा है कि किस तरह का हीट अफेक्टेड जोन आपका बनता है जब भी आप वेल्डिंग करते हो, तो जो भी आपका वेल्ड बीड होता है और किस एरिया तक वो इन्फ्लुएंस होता है। जैसे अगर ये दो प्लेट आप वेल्डिंग कर रहे हो तो वेल्डिंग फिलर मटेरियल तो आपने यहाँ तक भर दिया, लेकिन ये बेस मेटल भी थोड़ा सा मेल्ट करता है, और इसकी और ये हीट जोन होता है वो यहीं तक नहीं होता है, इसके आगे भी होता है। यहाँ के जो ग्रेन्स होते हैं वो भी काफ़ी अफेक्ट करते हैं, काफ़ी अफेक्टेड होते हैं इस हीट जोन की वजह से, तो वही यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। ये जैसे आपका जो हीट अफेक्ट जोन आप देख सकते हो, आपने वेल्डिंग यहां तक की है, ये आपका वेल्ड पूल है, लेकिन आपका जो हीट अफेक्टेड जोन है वो इस एरिया तक आया है, तो ये टोटल यहां से यहां तक में आपकी हार्डनेस और डक्टिलिटी जो कि आपका ग्रेन रिफाइनमेंट होता है, जो ग्रेन साइज होते हैं वो वेरी करते जाते हैं जितने दूर तक आपका हीट अफेक्टेड जोन होता है। तो सबसे पहले यहां पर आपका क्या होता है कि सबसे ज्यादा हार्डनेस होता है, मतलब सबसे ज्यादा डक्टिलिटी यहाँ पर होगा और सबसे ज़्यादा हार्डनेस यहाँ पर होगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप हीट करोगे यहाँ पे, इस पोर्शन में अगर आपने हीटिंग की है, क्योंकि यहाँ मेल्ट करना है मेटल को, जो फिलर मटेरियल होगा वो मेल्ट होगा, तो यहाँ पर हीट अफेक्टेड जोन सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगा। तो इस जोन में क्या होता है, जो आपके जो कूलिंग होती है वो स्लो होती है, स्लो कूलिंग रेट में क्या होगा, स्लो कूलिंग रेट अगर आपका है तो उसकी वजह से जो ग्रेन के साइज होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। ग्रेन साइज इंक्रीज होता है, इसका मतलब जो मटेरियल है वो सॉफ्ट हो जाता है, उसकी डक्टिलिटी बढ़ जाती है, उसका टफनेस बढ़ जाता है, और यहाँ का मटेरियल आपका सॉफ्ट हो जाता है, इसमें डक्टिलिटी इन्हेंस हो जाती है। लेकिन लास्ट वाले पोर्शन पर अगर हम लोग देखें तो ये बेस मेटल आपका पहले ऑलरेडी ठंडा था, ऑलरेडी कोल्ड था, लेकिन जैसे आप हीट कर रहे हो तो यहाँ पर एक सडन चेंज हो रहा है टेम्परेचर में, तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो टेम्परेचर का चेंज होता है, यहाँ पर जो कूलिंग रेट होती है वो फास्ट होती है, तो उस वजह से जो कूलिंग रेट फास्ट होती है उसकी वजह से जो ग्रेन साइज होते हैं वो आपके फाइन हो जाते हैं। इसमें जो ग्रेन साइज होता है वो आपका कोर्स ग्रेन साइज बनता है, बट जो लास्ट हीट अफेक्टेड जोन के लास्ट में जो बनता है ग्रेन साइज, वो आपका फाइन ग्रेन साइज बनता है। फाइन ग्रेन साइज होने की वजह से क्या होता है, उसकी हार्डनेस इंक्रीज कर जाती है और ब्रिटलनेस भी इंक्रीज होती है। तो अब जब भी ये मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है, देखो जब भी आप हीट अफेक्ट जो आपका न्यूट्रल पॉइंट नहीं बोलेंगे इसको, मतलब जो मेन रीजन है, जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से हीट अफेक्टेड जोन के लास्ट रीजन तक अगर आप जाओगे तो इधर से इस तरफ जाने पर आपकी हार्डनेस इंक्रीज होगी और डक्टिलिटी डिक्रीज होगी। इट मीन्स डक्टिलिटी आपका मैक्सिमम होगा जो आपका सेंटर पॉइंट है उसके अबाउट, और जो हार्डनेस मैक्सिमम होगा वो लास्ट में, हीट अफेक्टेड जोन के लास्ट में। यहाँ पर डिफरेंट टर्मिनोलॉजी दे रखा है, आपका पैरेंट मटेरियल आप देख सकते हो, फिर लो टेम्परेचर पार्ट ऑफ हीट अफेक्टेड जोन, या आपका लो टेम्परेचर पार्ट है क्योंकि फिलर मटेरियल तो यहाँ पर मेल्ट हो रहा है, ठीक है, तो फिलर मटेरियल जहाँ पे आपका मेल्ट होगा उस रीजन में आपका हीट अफेक्टेड जोन ज़्यादा होगा, मतलब उस रीजन में आपका जो टेम्परेचर जोन होगा वो ज़्यादा टेम्परेचर का, मतलब वहाँ पर जो टेम्परेचर राइज करेगा वो ज़्यादा राइज करेगा, और जैसे जैसे आप डिस्टेंस पे मूव करते जाओगे तो टेम्परेचर का जो राइज होगा वो कम होता जाएगा। ये आपका वेल्ड मेटल है जो भी आपका सेंटर में फील हुआ है, और यहाँ पर आपका फ्यूजन लाइन, ट्रांजिशन लाइन, वेल्ड जोन लाइन, इनिशियल एज लाइन, ये सब आप देख सकते हो। थोड़ा क्लियरिटी देखने के लिए मैं ये जो ड्रॉ किया हूँ इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका ये जो, यहाँ आप देख सकते हो जो भी आपका रूट गैप होता है, जो भी आपका री इन्फोर्स होता है बेस में, आपका नीचे भी री इन्फोर्स निकल जाता है, रूट आपका निकल जाता है, तो यहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हो कि जो भी आपका डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स है, ट्रांजिशन लाइन हो गई आपका, ये आपका फ्यूजन लाइन हो गई जहाँ पर आपका फ्यूज होता है मटेरियल। फ्यूजन लाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो
फिलर मटेरियल है और जो बेस मटेरियल है उन दोनों का मिक्सर यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर जैसे आप वेल्ड कर रहे हो तो इतने दूर तक बेस मटेरियल आपका आपने इनिशियली यहाँ तक दिया है सपोज, ठीक है, लेकिन जब आप मेल्ट करोगे फिलर मटेरियल इसमें आएगा तो फिलर मटेरियल के इफेक्ट में आते ही ये बेस मटेरियल भी थोड़ा सा मेल्ट करता है। तो एक रीजन ऐसा होता है जिस रीजन में दोनों फ्यूज होते हैं, मतलब दोनों का डिफ्यूजन होता है, दोनों में मिक्सिंग होती है, तो उस रीजन को हम लोग फ्यूजन लाइन से डिनोट कर देते हैं कि ये आपका फ्यूजन लाइन है जो बेस मेटल और वेल्ड पुल को सेपरेट कर रहा है। तो ये तो था टोटल आपका हेट्रोजीनियस वेल्डिंग जिसे हम बोलते हैं, ये क्लासिफिकेशन आपका लास्ट क्लासिफिकेशन था वेल्डिंग का। जब आप फर्स्ट लेक्चर में अगर आपने वेल्डिंग देखा होगा, इस लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में जो भी मैंने बनाया उसमें आप देख सकते हो उसमें तीन क्लासिफिकेशन मैंने बनाए थे। तो तीनों क्लासिफिकेशन में जो सबसे लास्ट वाला था वो सॉलिड लिक्विड स्टेट था, सॉलिड लिक्विड स्टेट, और उसे हेट्रोजीनियस वेल्डिंग भी बोलते हैं। तो वो टोटल यहाँ पर कंप्लीट हो गया लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो भी डिफेक्ट्स वगैरह होते हैं वेल्डिंग में, उन सब पे डिस्कशन करेंगे, जो भी डिफेक्ट्स और उसके रेमेडीज क्या क्या हैं, किस तरह से डिफेक्ट्स को अवॉइड किया जा सकता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर किया कीजिए ताकि और भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को हेल्प मिल सके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।